Hello friends, this is Mansoor Rasan from IT Markaz Technologies. I am a senior in Linux and VoIP consultant in DNet Ops and IT Markaz Technologies. Today we are going to discuss how you can install or आज हम जो डिस्कस करेंगे ये देखेंगे कि डॉकर किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह से डॉकर को हम उबंटू में डॉकर के ऊपर वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं या डॉकर के साथ किस तरह से हम डॉकर के कंटेनर्स बना सकते हैं। ओके, डॉकर का जो पैकेज मेरे पास जो है अभी करंटली उबंटू इंस्टॉल्ड है। लेट मी शो यू द वर्जन आई हैव इन माई, इट्स उबंटू 16.04 LTS। तो देखते हैं कि उबंटू में जो किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। docker.io वो पैकेज है जिससे डॉकर इंजन इंस्टॉल होता है। अराउंड 83 MB का पैकेज होता है जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होगा। और ठीक है, ये मेरे पास सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हो गया है। अब मैं इस डॉकर की सर्विस देखूँ, बाय डिफ़ॉल्ट तो डॉकर की सर्विस अब हो जाती है, बट जस्ट टू मेक श्योर हम डॉकर की सर्विस कैसे चेक कर सकते हैं या रीस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल लिनक्स की सर्विस स्टार्ट रीस्टार्ट होती है या स्टॉप होती है, वैसे ही डॉकर की सर्विस भी स्टार्ट रीस्टार्ट या उसका स्टेटस चेक किया जा सकता है। डॉकर भी एक नॉर्मल सर्विस है। देखिए, डॉकर की जो सर्विस है वो अप एंड रनिंग है, स्टेटस एक्टिव रनिंग आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, डॉकर हमें एक अबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे मेरे पास एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे मुझे एक फ़ौरन एक वर्चुअल मशीन चाहिए या एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस और जस्ट फॉर द इस शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। लाइक मुझे 10 मिनट 15 मिनट के लिए एक वर्चुअल मशीन चाहिए और एकदम फ्रेश इंस्टॉलेशन चाहिए। तो नॉर्मल सिनेरियो में इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट फ्रेश वर्चुअल मशीन फॉर योर टेस्टिंग एनवायरनमेंट। बट डॉकर गिव यू अबिलिटी, जहाँ पर डॉकर हमें ये अबिलिटी प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे हम मैटर ऑफ सेकंड्स में एक न्यू वर्चुअल मशीन खड़ी कर लें और एक फ्रेश ओएस इंस्टॉल कर लें। ठीक है, डॉकर के मल्टीपल एनवायरनमेंट मोड्स होते हैं जिसमें डॉकर काम करता है। जो सबसे पहला मोड होता है वो होता है इंटरैक्टिव मोड। अच्छा, इंटरैक्टिव मोड में डॉकर के क्या होता है कि जब तक डॉकर का कंटेनर को आप कनेक्ट करते रहेंगे, डॉकर का कंटेनर चलता रहेगा। ठीक है, जैसे ही आपने उस डॉकर के कंटेनर को डिसकनेक्ट किया तो वो कंटेनर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दूसरा डॉकर का मोड होता है डीमन मोड। ठीक है, डीमन मोड में क्या होता है, डॉकर का आप डॉकर को जब आप कोई भी कंटेनर कोई भी वर्चुअल मशीन आपको परमानेंट बेसिस पे या लॉन्गर टाइम के लिए चाहिए होती है तो आप उस कंटेनर को एज ए डीमन चलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप उस कंटेनर को से डिसकनेक्ट को भी कर देते हैं तो वो कंटेनर एक्टिव रहता है और उसके ऑपरेशंस चलते रहते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में हम डॉकर का एक देखेंगे, डॉकर की इंस्टॉलेशन को वेरीफाई करने का एक मेथड तो है कि हम सर्विस चेक कर लें जो कि अभी हमने रिसेंटली चेक किया, और दूसरा ये कि हम डॉकर का हेलो वर्ल्ड कंटेनर बना के देख लें। डॉकर रन वो कमांड होती है जिससे आप कोई भी कंटेनर रन करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, डॉकर का जो कंटेनर होता है वो रूट के ऊपर चलता है, तो मेक श्योर यू आर लॉग्ड इन एज ए रूट। सॉरी, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, इट्स अ टाइपो मिस्टेक। ओह, अगेन टाइपो मिस्टेक। ठीक है, इसने क्या करा, डॉकर वनडे हेलो वर्ल्ड का कंटेनर चला दिया। अब देखें थोड़ा सा इसको हुआ क्या, जैसे ही मैंने डॉकर रन की कमांड को चलाया और हेलो वर्ल्ड का आर्ग्यूमेंट पास करा तो इसने क्या करा, एक आउटपुट दिया कि जो हेलो वर्ल्ड इमेज है वो मेरे पास लोकली नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जो डॉकर का कंटेनर या डॉकर का इंजन होता है ये कोई भी एक बेस इमेज यूज़ करता है। अगर वो बेस इमेज जो होती है वो एक्चुअली स्पेशली डिज़ाइन फॉर डॉकर इंजन होती है और वो स्लाइस की भी होती है जो कि डॉकर की टीम ही डिज़ाइन करके अपनी डॉकर हब डॉट डॉकर डॉट आई ओ पर रख रही होती है। इसी तरह से उनकी अपनी डॉकर की रिपोजिटरी पे रख रही होती है।
ठीक है, तो करते क्या है, जैसे ही हम डॉकर रन हेलो वर्ल्ड की कमांड चलाते हैं, तो डॉकर रन के बाद वो इस इमेज को ढूंढने चली जाती है, कहाँ पे लोकल, सबसे पहले वो लोकल रेपोजिटरी ढूंढती है कि जो आपकी लोकल रेपोजिटरी है उसमें ये इमेज है या नहीं। तो बोलता है कि अनएबल टू फाइंड इमेज ऑन लोकल रेपोजिटरी, ठीक है। जैसे ही उसको ये आर्ग्यूमेंट मिलता है तो वो अब डॉकर की इमेज को पुल करने चले जाता है, कहाँ से, डॉकर के रेपोजिटरी से। उसके बाद ये पुल कंप्लीट करती है, फिर उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन चल गई, इसने ये सारा कॉन्टेक्स्ट भेज दिया, ये सारा टेक्स्ट भेज दिया। तो ये तो था एक तरीका जिससे हम अपना कंटेनर रन कर सकते हैं। बेसिक छोटी छोटी बेसिक्स डॉकर की कमांड भी देख लेते हैं। अभी तो मैंने ये क्या करा है कि मैंने सबसे पहले एक हेलो वर्ल्ड कंटेनर बनाया, जिससे मुझे पता चल गया कि मेरी जो डॉकर की इंस्टॉलेशन है वो एकदम ओके हुई हुई है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट का आउटपुट आया, इसका मतलब है कि मेरे डॉकर की जो इंस्टॉलेशन है वो ओके हुई हुई है। अब मैं एक उबंटू का कंटेनर बनाऊंगा जो एक इंटरेक्टिव मोड में काम कर रहा होगा, जैसे ही मैं उसके और उसमें मैं एक कमांड पास करूंगा, ठीक है। क्या कमांड है, डॉकर रन, ठीक है, माइनस टी, माइनस आई का आर्ग्यूमेंट क्या करता है, ये डॉकर को बताता है कि जो भी कंटेनर आप चलाओगे ये इंटरेक्टिव मोड में होगा। माइनस माइनस नेम से मैं कंटेनर का नाम रख दूंगा, ठीक है, माय फर्स्ट कंटेनर, ठीक है। उसके बाद मैं उस इमेज का नाम दूंगा जो डॉकर, जिस इमेज से मुझे वर्चुअल मशीन या कंटेनर बनाना है, ठीक है। उसके बाद मैं अपने कंटेनर को बोलता हूँ कि भाई बिन बैश, जैसे ही कंटेनर स्टार्ट हो उसमें बिन बैश की कमांड चला देना, ठीक है। ये टोटली एक इंटरैक्टिव मोड में कंटेनर चलेगा, और जैसे ही मैं इस कंटेनर को एग्ज़िट करूँगा ये कंटेनर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेम काम हुआ, लोकल रेपोजिटरी पे ढूंढा, लोकल रेपोजिटरी पे उसको इमेज नहीं मिली, तो अब वो लाइब्रेरी से फाउंड करने चला गया, ठीक है। जैसे ही देखें डिफरेंस चेक करें, ये मेरी लोकल मशीन है और ये मेरा कंटेनर है, सही है, डिफरेंस नज़र आया, ये मेरा कंटेनर है, ये एक सेपरेट कंटेनर है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरे वर्चुअल मशीन से, ठीक है। अभी मैं काम करता हूँ apt डैश गेट इंस्टॉल vim, एक काम करते हैं PHP का पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे, PHP apt get install PHP, ओहो apt get install PHP, इसने बोल दिया रीडिंग डिपेंडेंस डन, अनेबल टू लोकेट PHP स्टार्ट, PHP का कोई पैकेज नहीं मिल रहा, PHP FPM, PHP-5 कर लेते हैं, PHP-5-FPM कुछ भी काम करें, जस्ट टेस्टिंग करनी है, इज नॉट अवेलेबल बट इट्स रेफर टू अनदर पैकेज, एनीवेज यार ठीक है, मैं कोई भी टेस्टिंग करूँ यहाँ पे मेरा बिल्कुल देखें ये एकदम जैसे मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है वैसे ही एक कंटेनर बन जाएगा, और उसका स्ट्रक्चर भी सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा जैसे एक नॉर्मल मशीन का अंदर या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। इसके अंदर कंटेनर के अंदर आपको यूज़र का फोल्डर भी मिलेगा, वार का फोल्डर भी मिलेगा, रूट प्रॉक्स सारी चीज़ें मिलेंगी, होम का फोल्डर भी मिलेगा। ये बिल्कुल जो भी कंटेनर होता है डॉकर का, ये बिल्कुल सेम एज द वर्चुअल मशीन होता है, बट द डिफरेंस इज़ कि इसके अंदर ये कंटेनर अपना कर्नल इंस्टॉल नहीं करता, ये बेस कर्नल के साथ इंटरेक्ट करता रहता है। खैर इसमें पैकेजेस इसलिए इंस्टॉल नहीं हो रहे थे क्योंकि ये एक इंटरेक्टिव मोड में कंटेनर चल रहा था, ठीक है। अगर ये एज ए डीमन चल रहा होता तो सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल हो रही होती, ठीक है। जस्ट फॉर द टेस्टिंग के इंटरेक्टिव मोड में कंटेनर चलते हैं, और जैसे ही मैं इस कंटेनर को एग्ज़िट करूँगा, ठीक है, तो अब ये कंटेनर अवेलेबल नहीं होगा। अब डॉकर में हम कैसे देखते हैं कि कितने कंटेनर चल रहे हैं, डॉकर PS की कमांड ये बताती है कि मेरे पास कितने कंटेनर इस वक्त रनिंग स्टेट में,
ठीक है। हालांकि मैंने अभी एक कंटेनर चलाया था क्योंकि वो एक इंटरेक्टिव कंटेनर था, जैसे ही मैंने उस कंटेनर से एग्जिट करा वो कंटेनर डिस्ट्रॉय हो गया। अगर मैंने देखना है उसी कंटेनर को कि वो कंटेनर वाकई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो मैं इसमें -1 का साइन लगा दूंगा, तो मेरे पास वो दोनों कंटेनर आ रहे जो मैंने अभी बनाए थे। जैसे बिन बैश की कमांड मैंने इशू करी थी उसमें, ठीक है, इसमें हेलो की स्क्रिप्ट चली थी, ठीक है, ये मेरा माय फर्स्ट कंटेनर था ये वाला, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कंटेनर था। ऊपर इसकी आईडी और इसकी आईडी देख सकते हैं, सेम कंटेनर है, बट क्योंकि ये एक इंटरेक्टिव में था, जैसे ही मैंने इस कंटेनर से एग्जिट करा ये कंटेनर डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए मुझे ये यहाँ नज़र नहीं आ रहा था, पीएस में नज़र नहीं आ रहा था। डॉकर पीएस से मेरे जितने कंटेनर उस वक्त करंट टाइम पे चल रहे होंगे वो शो हो जाएंगे, और डॉकर पीएस स्पेस -a से वो कंटेनर जो मेरे स्टॉप पोजीशन में है वो भी नज़र आएंगे, या कोई जो एग्ज़िट हो गए हैं वो कंटेनर भी नज़र आएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि डॉकर की इमेजेस, अगर मुझे मैंने देखना है कि मेरे लोकल सिस्टम के ऊपर डॉकर की कौन कौन सी इमेजेस हैं, तो मैं डॉकर इमेजेस की कमांड से देख सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी करंटली सिस्टम में दो मशीन इमेजेस पड़े हुए हैं, एक उबंटू का इमेज पड़ा हुआ है और एक हेलो वर्ल्ड का इमेज पड़ा हुआ है, दो इमेजेस पड़े हुए हैं, एक उबंटू का और एक हेलो वर्ल्ड का। उबंटू के साइज़ है 130 MB, ठीक है, क्रिएटेड 2 वीक्स होगो, जो 2 वीक पहले डॉकर के लोगों ने ही इस वीएम को बनाया होगा, ठीक है, ये 9 वीक्स पहले बनी थी, सही। तो इसी तरह से अब डॉकर के कंटेनर को रिमूव कैसे, मैंने कंटेनर इंटरेक्टिव कंटेनर बना लिया, ठीक है, मैंने डॉकर पीएस स्पेस -a करा तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास एक कंटेनर है, और अब मैं ये जो कंटेनर है मेरे से किसी काम का नहीं है, तो अब मुझे इसको डिलीट करना है। तो डॉकर के कंटेनर को डिलीट करने के लिए कमांड होती है डॉकर स्पेस -rm और कंटेनर आईडी, यह कंटेनर का नाम। आप कंटेनर आईडी से भी डिलीट कर सकते हैं और कंटेनर के नाम से भी डिलीट कर सकते हैं, ये कंटेनर का नाम है तो इस कंटेनर के नाम से भी ये डिलीट हो जाएगा। अब मैं जब डॉकर पीएस स्पेस -a करूँगा तो ये कंटेनर मुझे नज़र नहीं आएगा, अब मेरे पास सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड का कंटेनर है। अगर मुझे इसी तरह से इस कंटेनर को भी रिमूव करना है तो मैं इस कंटेनर को हेलो वर्ल्ड को भी रिमूव कर सकता हूँ, डॉकर ओप्स सॉरी, वो ऑलरेडी रिमूव हो गया मेरे ख्याल से, डॉकर पीएस स्पेस -a कंटेनर आईडी से डिलीट कर देते हैं इसको, डॉकर आरएम डॉकर की इमेजेस देख लेते हैं, डॉकर इमेजेस, ठीक है, ऊपर वाली एक इमेज है, ठीक है, जो अभी मेरे सिस्टम ने डाउनलोड करी है, ये वाली इमेज अगर मुझे कोई इमेज डिलीट करनी हो तो उसके लिए क्या कमांड है, जैसे मैंने डॉकर का कंटेनर रिमूव करा था तो उसको मैंने डॉकर आरएम की कमांड से रिमूव करा था। अगर मुझे डॉकर की कोई इमेज रिमूव करनी है तो मुझे आरएमआई की कमांड, मतलब डॉकर रिमूव इमेज और इमेज नेम, तो अब क्या होगा, अब ये इमेज जो है ये रिमूव हो गई मेरे पास से, अब ये मेरे पास डॉकर इमेजेस के अंदर सिर्फ अब क्या एक इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। अगर अब मैं कोई दोबारा से अपना कोई पुराना हो या पुराना वाला ही कंटेनर दोबारा से इंटरेक्टिव मोड में चलाना चाहता हूँ तो ये कमांड थी, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि दोबारा से कमांड लिख लेते हैं, डॉकर रन स्पेस -t स्पेस -i -name माय सेकंड ठीक है इमेज का नाम Ubuntu और कमांड चलानी है bin/bash की ठीक है। लास्ट टाइम आपको याद होगा अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाके देखें, जब हमने लास्ट टाइम ये कंटेनर चलाया था तो क्या हुआ था, उसमें नहीं आ रहा वो, खैर लास्ट टाइम जब हमने कंटेनर रन करा था, देखें डिफरेंस देख लें, मैं अब कंटेनर के अंदर आ चुका हूँ,
ठीक है, लास्ट टाइम हमने जब कंटेनर रन करा था तो उसने इमेज लोकली ढूंढी थी और पुल करी थी, उसको लोकल नहीं मिली थी तो उसने बाहर से पुल करी थी। बट इस टाइम क्या हुआ, इसने डायरेक्ट कंटेनर के अंदर मुझे फेंक दिया। इसका मेन रीज़न ये है कि इसको वो उबंटू की जो इमेज है वो लोकली मिल गई थी, इस वजह से वो डॉकर की रेपोजिटरी पे नहीं गया और लोकली उस इमेज से ही एक कंटेनर बना दिया। देख, जस्ट मैटर ऑफ हिट एंड एंटर और मेरा कंटेनर रेडी। ठीक है, कैसे, कितनी आसानी से मैंने सेकंड एक और कंटेनर बनाना है, मैंने बोल दिया एक और कंटेनर बनाना है, मैंने थर्ड कर दिया इसे माय थर्ड कंटेनर। ठीक है, जस्ट मैं हिट करूँगा और मेरा कंटेनर रेडी। इतना फास्ट और इतना इजी वे में मैं अपने लिए एक टेस्टिंग मशीन खड़ी कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं इसको एग्जिट करूँगा, ये कंटेनर डिस्ट्रॉय। डॉकर PS करके चेक कर लेते हैं तो मेरे पास कोई कंटेनर नहीं आ रहा है। डॉकर PS स्पेस माइनस ए करके चेक करते हैं तो मेरे पास कंटेनर लिस्ट हो रहे हैं, माय सेकंड के नाम से और माय थर्ड के नाम से दो कंटेनर लिस्ट हो रहे हैं। बट जो कि स्टेटस चेक करें तो उनका स्टेटस एग्जिट आ रहा है। ठीक है, जस्ट एडजस्टेड द फॉन्ट साइज ताकि थोड़ा सा विजुअल बेहतर बन जाए। डॉकर PS स्पेस माइनस ए, तो काफ़ी बेहतर व्यू नज़र आ रहा है मुझे अब। ठीक है, दो कंटेनर बनाए उसने, पहला एक कंटेनर बनाया, ये कंटेनर बनाया, दूसरा एक कंटेनर बनाया, ये बनाया, दोनों के जो के दोनों अभी एग्जिट स्टेट में है। ठीक है, अगर मैं ये इमेज डिलीट कर देता हूँ, अगर मुझे इन कंटेनर को डिलीट करना है, मतलब अगर मैं इस इमेज को डिलीट करता हूँ, देखते हैं इस इमेज को डिलीट करते हैं कि ये डिलीट होती है कि नहीं होती। ठीक है, इसने क्या एरर दे दिया मुझे, एक एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमन कन्फ्लिक्ट अनेबल टू रिमूव रेपोजिटरी रेफरेंस उबंटू मस्ट फोर्स कंटेनर दिस एंड दिस यूजिंग दिस इमेज। मतलब ये कंटेनर है जो एक, ये कंटेनर की आईडी है 5C, ये वाली, ये जो कंटेनर है किस इमेज को यूज़ कर रहा है, डॉकर की इमेज को यूज़ कर रहा है। डॉकर इमेज आई, डॉकर इमेजेस करके देख लेते हैं। ठीक है, FA, ये डॉकर की जो इमेज, उबंटू की जो इमेज है, ये कंटेनर, ये वाला कंटेनर यूज़ कर रहा है। मतलब अगर कोई इमेज किसी कंटेनर के साथ अटैच्ड है तो पहले हमें कंटेनर रिमूव करना पड़ेगा, देन उस इमेज को हम रिमूव कर सकते हैं। तो पहले हमें कंटेनर रिमूव करना पड़ेगा, डॉकर RM कंटेनर ID, कंटेनर रिमूव करा। अब मैं इस वाले कंटेनर, क्योंकि ये कंटेनर भी उबंटू से ही चल रहा है, डॉकर RM, ठीक है, दोनों कंटेनर। अब मैं जो है इस इमेज को डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं डॉकर इमेजेस करूँगा तो मेरे पास कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। ओके जी, काफ़ी अच्छा ओवरव्यू रहा। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हम कंटेनर को एज ए, चलें इसी में भी हम देख लेते हैं कंटेनर को एज ए डीमन कैसे चला सकते हैं। मतलब डीमन में कंटेनर जब चलता है तो वह डिटैचेबल मूड में आ जाता है कि आप उस कंटेनर से एग्जिट भी कर सकते हैं और उस कंटेनर में एंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें कंटेनर को एक डीमन मोड में चलाते हैं। डॉकर रन रन स्पेस माइनस टी स्पेस माइनस डी का स्विच जो है कंटेनर को एज ए डीमन मोड में चलाएगा। माइनस माइनस नेम, बाकी कमांड सेम रहेगी, माय डीमन, ओके, इमेज यूज़ करेंगे उबंटू और एंटर। ये लोकली ढूंढने गया, इसको लोकल उबंटू, क्योंकि हम उबंटू की इमेज डिलीट कर चुके थे, ये अब रेपोजिटरी से डाउनलोड करेगा और उस इमेज से कंटेनर बना देगा। मैं जब डॉकर PS करके देखूंगा तो मेरे पास एक कंटेनर जो है रनिंग स्टेट में चल रहा है। अब इस कंटेनर को कनेक्ट करने का तरीका क्या है, जब भी कोई कंटेनर बनता है तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, जब भी हम डॉकर इंजन इंस्टॉल करते हैं तो डॉकर इंजन जो है अपना एक नेटवर्क सेटअप कर देता है जो कि किस पूल पर होता है, वो होता है 172.17.0.1। और जब भी कोई नया कंटेनर बनता है तो हर कंटेनर को इसी पूल की एक IP डॉकर का इंजन असाइन करता रहता है।
ठीक है, जैसे ही आपने एक कंटेनर स्टार्ट करा तो डॉकर DHCP के थ्रू उस कंटेनर को एक IP असाइन कर देगा जो कि 172.17.0.0 के किसी पूल की होगी। ठीक है, तो अब डेफिनेटली इस जो कंटेनर मैंने बनाया है इसकी कोई ना कोई IP ज़रूर होगी। तो अब क्योंकि वो थोड़ी एडवांस लेवल का टॉपिक है तो वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करूँगा। अभी मैं एक रैंडमली बात बता देता हूँ कि जैसे ही कोई कंटेनर बनता है, जैसे DHCP की स्कीम होती है, वो ग्रेजुअली एक सीक्वेंस में जो है ना IP असाइन कर रहा होता है। पहले वाले कंटेनर को 1 असाइन, पहले वाले कंटेनर को 2 असाइन हुई, दूसरे वाले को 3, 4, 5, 6, इसी तरह से 255 कंटेनर को 255 तक की IP असाइन होगी। तो अभी क्योंकि हमने पहला कंटेनर बनाया है तो इसकी IP डेफिनेटली, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब कंटेनर बनता है तो SSH डिसेबल्ड होता है, हमें SSH का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है उसमें। सही है, ये मेरा कंटेनर तो बन गया बट मैं अभी इसको SSH नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसमें SSH का पैकेज भी इंस्टॉल नहीं करा है। एक और तरीका होता है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं, डॉकर अटैच और ये, ठीक है, ये मैं अब कंटेनर में अटैच हूँ बट कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैंने SSH का पैकेज इंस्टॉल नहीं करा है। ठीक है, जो मैंने कंटेनर बनाया है इसमें SSH का पैकेज इंस्टॉल है, तो या तो मैं कोई ऐसी इमेज यूज़ करूँ जिसमें डॉकर का कंटेनर में जो भी मैं इमेज यूज़ करूँ उसमें ऑलरेडी SSH का पैकेज इंस्टॉल्ड हो, या मैं डॉकर फाइल के थ्रू उसके अंदर पैकेज इंस्टॉल करूँ। खैर, ये जो दिखाने का मकसद ये था कि डॉकर का जो कंटेनर है वो एज ए डीमन भी चलता है। ठीक है, डॉकर PS करके चेक करते हैं तो ये कंटेनर मेरा अभी भी चल रहा है। अगर मुझे इस कंटेनर को स्टॉप करना है तो मैं कैसे स्टॉप करूँगा, डॉकर स्टॉप और कंटेनर का नाम या कंटेनर की ID, तो मेरा कंटेनर स्टॉप हो गया। मैं डॉकर PS करके चेक करूँगा तो मेरा कंटेनर मुझे नज़र नहीं आ रहा, बट अगर मैं PS स्पेस -A करूँगा तो मेरा ये कंटेनर नज़र आ रहा है। अगर मुझे इस कंटेनर को दोबारा स्टार्ट करना है तो मैं डॉकर स्टार्ट और कंटेनर का नाम या कंटेनर की ID, तो ये कंटेनर दोबारा स्टार्ट हो गया। इट्स हाउ ईजी यू कैन सी दैट इट्स हाउ मच ईजी इट इज़ टू स्टॉप और स्टार्ट अ VM और ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये स्टेटस इसका अप आ रहा है 12 सेकेंड से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको डॉकर फाइल के थ्रू कंटेनर्स को बनाना सिखाऊं और डॉकर फाइल के अंदर हम किस तरह से पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं, डॉकर फाइल के थ्रू कैसे एक प्री कॉन्फ़िगर्ड VM तैयार करते हैं, और उसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये बताऊंगा कि डॉकर की रेपोजिटरी पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, डॉकर की रेपोजिटरी में कैसे आप डॉकर की रेपोजिटरी को यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन स्टेजिंग एनवायरनमेंट से प्रोडक्शन में ले जाने के लिए, किस तरह से आप अपनी इमेज को बिल्ड करते हैं और शिप करते हैं और फिर दोबारा से उस इमेज से आप एक नया कंटेनर अपना एनवायरनमेंट बिल्ड करते हैं। टिल देन कीप लाइक अस अवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।